अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या फिर बेकार हो गया है, तो फिर आप अपने पैन कार्ड को घर बैठे रीप्रिंट करा सकते हैं अपने मोबाइल से। इसके लिए अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे पैन कार्ड रीप्रिंट। सर्च करने के बाद आपके सामने कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी। अगर आपका पैन कार्ड NSTL से बना है तो आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है, और अगर आपका पैन कार्ड UTI से बना है तो आपको दूसरी वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब मेरा NSTL से बना है तो मैं इस पहली वेबसाइट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं और पैन कार्ड रीप्रिंट का चार्ज भी देख सकते हैं। नीचे आपको चार्ज भी लिख के आ जाएगा, ₹50 में आपका पैन कार्ड रीप्रिंट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने पैन लिख के आ जाएगा। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और इसके नीचे आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। आधार नंबर सही तरीके से भरने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिख जाता है GSTN, अगर आपके पास GST नंबर है तो उसको यहाँ पर डालें, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। इसके बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आपको कैप्चा कोड भर देना है। अगर आपको कैप्चा समझ नहीं आता है तो इसे रिफ्रेश कर सकते हैं और इसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने आपके पैन कार्ड की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से आप अपने पैन कार्ड की डिटेल देख सकते हैं और थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने OTP का ऑप्शन आ जाएगा। OTP के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपने OTP को ईमेल ID पर मंगाना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर या फिर इन दोनों पर। मेरे पास मोबाइल नंबर है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे और फिर जैसे ही आपके पास OTP आता है आपको यहाँ पर OTP डाल के वैलिडेट कर देना है। OTP डाल देने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेटीएम से पेमेंट करना चाहूँगा तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹50 की फ़ी लग रही है इंक्लूडिंग GST, और इसके बाद आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट डिटेल और ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी। पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना पेटीएम नंबर डाल के पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपके सामने एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा और आपका नया पैन कार्ड रीप्रिंट होके आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।